हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं डिबेलिया अगौना में आया हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ खिलाड़ी हैं, यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। अभी एक दो मैच हुआ है। इधर सीएससी है, कलवारी का सीएससी है, और सीएससी के सामने ये डिबेलिया है। देखिए बच्चे हैं, और यहाँ के टीम के कप्तान हैं। अपना परिचय दे दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं नूर आलम, ग्राम कोंडर, पोस्ट कलवारी, बस्ती। आप सभी क्रिकेटप्रेमियों को सूचित किया जाता है कि डिबेलिया के इस ग्राउंड पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मैच का लुत्फ़ उठाएँ। और कल के दिन में हर एक दिन में 3 मैच होना है, और कल का जो पहला मुकाबला है बैरागल और गायघाट के बीच खेला जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक ग्राउंड पर आएँ। कल अभी पहला मुकाबला है? नहीं, एक पहला मैच हो चुका है जो कुशौरा बनाम सफाबाद के बीच खेला गया था, जिसमें कुशौरा ने सफाबाद को मैच हराया है। और कुशौरा पहली टीम है टूर्नामेंट की जो जीत के भी बैठी हुई है। और कल जो दूसरा मैच होगा गायघाट बनाम बैरागल के बीच खेला जाएगा। तो कौन इस टूर्नामेंट को करा रहा है? टूर्नामेंट के सहयोगी हैं सैयद हसन, मोहम्मद आलम, निजामी टेंट हाउस, मोहम्मद समी, नूर आलम, अजहरुद्दीन, मोहम्मद अमीन और मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये सब लोग मिल करके टूर्नामेंट करा रहे हैं? जी जी। तो कितना एंट्री है, कितना क्या है, कुछ बताएंगे? एंट्री फीस 1100 रुपया है, और फर्स्ट प्राइज विजेता टीम को 11000, और उप विजेता टीम को 5000 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा, प्लस ट्रॉफी दी जाएगी। और कैसे कैसे टूर्नामेंट कराएंगे, कुछ नियम कानून बताएंगे? नियम कानून तो बहुत है इसमें। ग्राम सभा क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, हर खिलाड़ी को आधार कार्ड लाना अनिवार्य है, और अपने ग्राम सभा का खिलाड़ी केवल टीम से खेल सकता है, हारे हुए टीम का खिलाड़ी दूसरे टीम से नहीं खेल सकता है। ये सब नियम है जी। तो यदि आपका कोई वीडियो देख रहा है तो क्या कहना चाहेंगे, कोई नई टीम शामिल होना चाहे तो कैसे शामिल हो सकती है आपके साथ? मेरा मोबाइल नंबर है 8707257897। इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और हमसे जुड़िए। तो कितनी टीमें अभी तक शामिल हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट में? लगभग 24 टीमें भाग ले चुकी हैं, 8 टीमों की अभी जगह खाली है, और जिसको भी संपर्क करना है मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो कितने लेवल का मैच होगा, कौन कौन मैच होगा, कुछ बताएंगे? ग्राम सभा क्रिकेट का जैसे पहला मैच कैसे कैसे टीमों को बांट करके कैसे फाइनल तक पहुंचाएंगे, पूरा नियम थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आम जनता भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं। आप लोग तो खेलते हैं, हर कोई जानते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी यहाँ घूम रहे हैं ये लोग भी, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो बताना चाहेंगे कैसे ये पूरा टूर्नामेंट ख़त्म होगा आपका? जी, 32 टीमों का टूर्नामेंट होगा। 32 में से 16 टीमें अंदर आएंगी, 16 टीमों में से 8 अंदर आएंगी, 8 के बाद 4 आएंगी, और 4 में से 4ों का सेमीफाइनल होगा। हर एक टीम को कम से कम 4 मैच जीतना है अगर फाइनल खेलना है। लगातार 4ों मैचों में अगर कोई भी टीम एक भी मैच हार गई तो टूर्नामेंट से बाहर। अगर आपको फाइनल जीतना है तो फाइनल लेके कम से कम 5 मैच जीतना होगा जिस भी टीम को विजेता बनना है। बीच में अगर कभी भी मैच हारे तो बाहर। जैसे जो अंपायर होंगे कैसा, मतलब भूमिका कैसे रहेगी, कोई बेईमानी मानी करने का कोई खतरा, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डिबेलिया का पहला टूर्नामेंट नहीं है, केपीएल 12 चल रहा है। यहाँ बहुत से टूर्नामेंट हुए हैं पहले, और अच्छा टूर्नामेंट होता है, सब लोगों को पता है। टीमें नाम से आती हैं, डिबेलिया गौना के नाम से आती हैं। परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पहली बार हमारे बीच आए, बहुत अच्छा लगा। यानी पूरी पारदर्शिता के साथ आप मैच कराते हैं? जी जी जी। मेरा नाम फरहान खान। कहाँ के हैं आप? हैं कोंडर। कोंडर के हैं। तो यहाँ कितना मैच होने वाला, कुछ बताएंगे? 32 32 मैच होने वाला है, तो देखेंगे मैच जी। मजा आता है मैच खेलने में? मजा आता है कि देखने में मजा आता है? ज्यादा खेले मजा आता है, ज्यादा खेलने मजा आता है। तो आपको टीम में रखा गया कि नहीं? अरे हम लोग ए टू बी टीम बाय। अभी नहीं खेल पा रहे इस टीम में? नहीं। कितने उम्र के बच्चे इस वाली टीम में खेल रहे हैं? 18-19। अभी आप लोग छोटे हैं, ठीक। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम दीपक कुमार। कहाँ के हैं? ग्राम कोडर। कोडर के हैं। तो मैच देखने आए हैं जी? तो कितना मैच होगा यहाँ? 32 मैच होगा ना जी। तो क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है कि जो है देखना अच्छा लगता है? खेलना। तो बैटिंग अच्छा करते हैं कि गेंदबाजी अच्छा करते हैं? अभी तो अच्छा, गेंदबाजी करना अच्छा लगता है कि बैटिंग करना अच्छा? बैटिंग। बैटिंग अच्छा लगता है। तो छक्का का मारते हो? अभी छोटा छोटा खेलते हैं। छोटा छोटा अभी खेल रहे हो। आप अपना नाम बता दो। मोहम्मद वैश। तो आपके यहाँ क्रिकेट हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हर मैच को देखने आएंगे यहाँ? जी जी हा? जी, हर मैच को देखने आएंगे। जी जी। तो मैच का तो गेंद बड़ी दूर चली गई?
थी जी। एक मैदान बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ एकदम चकाचक एकदम। तो दूर दूर से लोग खेलने आएंगे, तो आप लोग पढ़ाई भी करके आएंगे कि ऐसे देखेंगे? पूरा पढ़ाई करके आएंगे, देखेंगे। तो कितने बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है? 3 बजे। 2:15 छुट्टी हो जाती जी। इसके बाद आ जाएंगे जी जी। उसके बाद डायरेक्ट खाना खाएंगे। अपना नाम बताएंगे आप? नुमान अहमद। तो आप कहाँ के हैं? कोलर। कोलर के आप भी हैं। तो ये मैच पूरा देखेंगे जी। तो कौन सा खेलना क्या अच्छा लगता है? बैटिंग करना अच्छा लगता है कि गेंदबाजी करना अच्छा लगता है? दोनों दोनों। तो आपके अभी भविष्य में कभी खिलाड़ी बनना चाहेंगे, सोचे हैं कभी? जी जी जी। केएल राहुल खिलाड़ी बनना चाहोगे? जी जी। केएल राहुल। केएल राहुल बनेगा? केएल राहुल बनेगा जी जी। ये कौन से खिलाड़ी हैं? हम ज़्यादा नहीं जानते खेल के बारे में, हमको कम नॉलेज। ये कौन से खिलाड़ी हैं? इंडिया टीम के काफ़ी खतरनाक इंडियन टीम के वाइस कैप्टन हैं। ये जो है क्रिकेट के हैं कि दूसरे खेल के हैं? क्रिकेटर। क्रिकेटर हैं। तो बनना चाहो क्रिकेटर बनना? जी जी जी। आपका क्या सपना है? डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर। इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बनना है। आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं? हिदायत तब्लीग स्कूल। आप लोग भी सब लोग एक ही जगह पढ़ते हैं? नहीं। हम लोग दारुलूम अहले सुन्नत फैजुन नबी। दारुलूम अहले सुन्नत फैजुन नबी। तो कुछ पढ़ाई लिखाई के सवाल भी पूछ सकते हैं? जी जी पूछिए। तो हिंदी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते होंगे? जी जी। और इंग्लिश गणित सब पढ़ते होंगे? जी जी। तो किस क्लास में हैं आप लोग? लगभग 5। 5 का सवाल, मान लो 5 की बातें पूछी जा सकती है। तो हिंदी किसको के हिंदी अच्छा लगता है कि जो है मैथ अच्छा लगता है? हिंदी। मैथ अच्छा लगता है? मैथ तो दुश्मन है। मैथ दुश्मन है जी। दुश्मन है मैथ। तो हिंदी अच्छा लगता है जी जी। तो हिंदी में जो है क्या मतलब कौन सा किताब में क्या पढ़ाया गया, कुछ आप लोग बता सकते? जो किताब में पढ़ाया जा रहा हो उसी से तो हम कुछ पूछें, तभी तो आप लोग बता क्या पढ़ाया जा रहा है इस समय हिंदी में। हिंदी में पढ़ाया जा रहा मतलब हमारे देश के बारे में, 1947 को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सब बता रहे हैं। आजादी के बारे में पढ़ाया जा रहा है? जी जी। आप जानते हो आजादी के बारे में? जी जी। तो देश कब आजाद हुआ था मालूम? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 जी। और जो है कब जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? किस तरह? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। तो ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, कुछ बता सकेंगे? जी। सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और सन 1950 को मतलब सारे नियम बनाए, नियम कानून बनाए गए थे। मतलब बहुत अच्छा आपने बताया कि जो है 1950 को संविधान जो बना था उसमें नियम लगाया गया, जिस नियम से हम लोग जीते हैं, जिस नियम से पुलिस हमको गिरफ्तार करती है। जी जी। या कोई झगड़ा करता है, कोई मार करता है, उसे पुलिस पकड़ती है इसी नियम से। जी जी। या कोई हमको राशन मिलता है, हमको सड़क मिलता है, सुविधाएं बनती हैं, जैसे बिजली का जो नियम, बिजली आती है घर में, जो नियम सरकार बनाती है, जैसे राशन बांटती है, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, या जो है हमको आवास, गांव में लोगों का, हाँ कैसे ट्रेनें चलती हैं, ये सब किस में लिखा गया, सब कौन सा नियम इसमें लगता है? वही जो संविधान दिवस उसी दिन मनाया जाता है, समझ में आ रहा? यानी गणतंत्र दिवस उसी दिन, उसी को गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिस दिन देश का नियम बना है। जी। 3 साल हमारा देश वैसे ही घूमा। कैसे घूमा था? मतलब बिना नियम कानून के। नहीं, नियम कानून था लेकिन मतलब पुराना नियम था। जी। जो मतलब 3 साल क्या 1947 से 50 3 साल हो ही गया, बीच में बिना नियम के था, लेकिन जो अंग्रेजों का नियम था वो लगा था। जी। ऐसा नहीं है, ये नया नियम बन करके फिर 1950 में लागू हो गया, 26 जनवरी 1950। तो गणतंत्र दिवस आने वाला है 26 जनवरी। मनाएंगे एकदम धूमधाम से मनाएंगे। जी। तो कोई गाना वाना भी सुनाते हैं 26 जनवरी पर? नहीं, गाना नहीं सुनते हैं, सुनाते नहीं। ये आपका क्या नाम है? अनुराग कुमार। कहाँ के आप हो? कोडर। कोडर के। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3। तो कौन सा विषय इस समय स्कूल में पढ़ाया जा, कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको? हिंदी। हिंदी अच्छा लगता है। तो हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं इस समय? हिंदी में तो अध्यापक लोग, स्कूल के टीचर लोग क्या पढ़ा रहे हैं? नकल लिखाते हैं, इमला लिखाते हैं? जी। तो अशोक कैसे लिखा जाएगा बताओगे? अशोक बड़ा सरल सा नाम है। जी, जी।
अशोक कैसे लिखा है, मान लो किसी लड़के का नाम, आपका क्या नाम बताया अभी? अनुराग कुमार। अनुराग कुमार, हिंदी में अशोक कैसे लिखा जाएगा आपसे पूछ रहे हैं, आप तो बड़े क्लास में, थोड़े तीन में छोटे क्लास में है, अशोक कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, आप बताओ, हिंदी तो पूछ रहे हैं ना, बताओ। आ खाली सापर ओक मंत्र सो का खाली सापर सा खाली। तो इसमें जो है सा तीन तरह का सा होता है, एक जो है छोटा सा होता है, एक मिठनी सा जो पेट फटा होता है, एक बड़ा सा होता है, तो इसमें कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा बड़ा सा, बड़ा सा लगेगा, ठीक है जी। सही बताया लड़के ने ना जी।